नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र राज्य में सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है, हम हर रोज खबरों में देख रहे हैं। पिछले कई दिनों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अस्पतालों में कई पेशेंट की मौत हुई है और ये मामला काफी गूंज रहा है। सरकारी अस्पतालों की एक तरफ हालत ये है तो दूसरी तरफ वसई विरार महानगर पालिका की बात करें तो वसई विरार महानगर पालिका में तो आप सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल कोई एक भी सुसज्जित अस्पताल है ही नहीं। वसई विरार जो चल रहा है वो पूरा प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर चल रहा है। यहाँ लोग पैसा खर्च करके प्राइवेट इन संस्थाओं में जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन आज हम जो खुलासा कर रहे हैं उसमें अब यह प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या ये प्राइवेट लैब, क्या ये प्राइवेट अस्पताल ये भी सही है, क्या इनमें भी कोई बड़ा जोल है। तो इन सब चीजों पर हमारे साथ इस समय रुग्ण मित्र राजेंद्र ढगे जी है, जो खुद एक संस्था के सदस्य, आमची वसई के सदस्य और महाराष्ट्र लेवल पर आरोग्य विभाग में एक सलाहकार के पद पर, बड़े पद पर भी है। इनसे बात करते हैं, इन्होंने कुछ एक मुद्दा निकाला है अभी इस विषय पर, इनके पास क्या जानकारी है, हम बात करते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए ना। राजेंद्र जी, हाल ही में अखबारों के माध्यम से, इस माध्यम से मालूम पड़ा है कि वसई विरार में कुछ ऐसी लैब है, जो लैब है वो बोगस बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर उस लैब के रिपोर्ट के ऊपर साइन कर रहे हैं बराबर, वो डॉक्टर ही बोगस है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। क्या विषय है, आपके जहन में कभी आया और आपने इसकी शिकायत कब की? हमें हमारे जो दोस्त है डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी, जो महाराष्ट्र पैथोलॉजी एसोसिएशन के है सदस्य है, उन्होंने डॉक्टर राजेश सोनी के बारे में हमको बताया था कि ये डॉक्टर जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, आप एक बार आपके महानगर पालिका के अंतर्गत उनको बता दीजिए, उनके आरोग्य विभाग को। वैसे उस हिसाब से मैंने हमारे आरोग्य विभाग के उस टाइम के जो आयुक्त थे श्री विजय द्वासे और मैडम डॉक्टर भक्ति चौधरी, उनको मैंने बताया कि ये डॉक्टर राजेश सोनी करके हैं, उनका सिग्नेचर कुछ लैब पर चल रहा है, आप जरा तहकीकात कीजिए। तो उस अनुसंग उस हिसाब से उन लोगों ने चेक किया और 5 लैब में 12 लैब की तपासनी करने के बाद 5 लैब को उनको ऐसा लगा कि वहां पर डॉक्टर राजेश सोनी की सिग्नेचर चल रही है और उनके सिग्नेचर पर वैद्य के अहवाल बनवा रहे हैं। अभी कैसा है कि इन्होंने सिर्फ उन लैब पर नोटिस दिया है और उनको बोला है कि सिर्फ 2 दिन में आप उनका जवाब दीजिए, नहीं तो आप लैब बंद कर दीजिए। ये नोटिस 9 सितंबर 2023 को दिया है, आज सॉरी 5 सितंबर 2023 को दिया है। तो आज 1 महीना होने के बावजूद भी इन लोगों ने उन लैब पर FIR दर्ज नहीं किया, जो कि बोगस डॉक्टर शोध समिति का कायदा है कि आपको अगर कुछ लैब या कोई वैद्यकीय व्यवसाय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बोगस है या उस पर कुछ निर्बंध है तो आपको इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में, जो इन्होंने दी नहीं। आज 1 महीना हुआ है, 1 महीने के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, वो लोग अपने रिकॉर्ड्स नष्ट कर सकते हैं। इन लोगों ने उस वक्त लैब सील करनी चाहिए थी, उधर की इक्विपमेंट, उनके रिकॉर्ड, ये सब उन्होंने सील करना चाहिए था, सीज करना चाहिए था, जो उन्होंने मेरे हिसाब से तो किया नहीं है। अभी भी इन लोगों ने FIR दर्ज करने में इतनी जो निरंगाई कर रहे हैं, जो लेट कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी कुछ रहेगा, इसीलिए उन्होंने से ये काम किया कि जब आपके पास कोई लैब आपके पास लेने के लिए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो लैब के जो अर्जी है वो छाननी करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो लैब के जो अर्जी है वो छाननी करना, जो डॉक्टर साइन करने वाला है लैब के रिपोर्ट्स के ऊपर उस डॉक्टर की वैलिडिटी चेक करना, ये आरोग्य विभाग की जिम्मेदारी है। हमारा आरोग्य विभाग जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, इस पर मुझे बहुत दुख है, क्योंकि हमारे वसई विरार महानगर पालिका के जो नागरिक है उनके आरोग्य से खिलवाड़ महानगर पालिका का आरोग्य विभाग कर रहा है।
एक तरफ आप जो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इसी में मिली भगत होती, और वास्तव में अगर देखा जाए जमीनी हकीकत, तो वसई विरार महानगर पालिका में ऐसे कई आपको छोटे मोटे अस्पताल जो खुद को मल्टी स्पेशलिस्ट बोलते हैं मिल जाएंगे, जिनकी बिल्डिंग ही इलीगल है, तो कायदे का सीधा सीधा उल्लंघन है, उनको भी महानगर पालिका परमिशन दे रही है। और ये पैथोलॉजी लैब जहाँ पर हर तरह के टेस्ट होते हैं और उसी टेस्ट के आधार पर किसी भी पेशेंट का इलाज चलता है, ये लैब के अंदर इस तरह से अगर बोगस कारोबार हो रहा है और उसके बावजूद महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसमें आप एक बड़े पद पर है, आप आगे चल के हमारा शासन से क्या मांगनी करने वाले हो, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मेरी तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक के हिस्से से बोल रहा हूँ। एक तो महानगर पालिका ने इन पर FIR दर्ज जल्द से जल्द करनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद महानगर पालिका के ऊपर FIR दर्ज करने की ठान ली है और मैं करवा दूंगा अगर उन्होंने ये नहीं किया तो। महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी जो आपने DMC बताया, DMC के ऊपर एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर का इससे क्या स्टैंड है, उनसे आपकी बात हुई क्या? नहीं, कैसा है कि कमिश्नर के पास भी अखबार आता है, कमिश्नर भी अखबार पढ़ता है, सब अभी आप जैसे जो पत्रकार है वो भी उनके पास गए होंगे इस सिलसिले में, तो एटलीस्ट उन्होंने उनके खुद का अवलोकन करके उन्होंने FIR दर्ज करनी चाहिए। पहले तो इन लोगों को कायदा समझना जरूरी है, क्योंकि कायदा बिना कायदा के ये लोग सब जो इलीगल जो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने पहले कायदा का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, स्थानिक आमदार स्थानिक जनप्रतिनिधि है, उनको इस बारे में किस तरह से अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र के मुखिया है और मुखिया होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि उनके क्षेत्र की जनता के साथ किसी तरह का छल नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा छल है जहाँ लोग अपना पैसा खर्च करने के बाद में पूरी संतुष्टि के साथ अपना उनका जो भी आउटकम है वो उनको नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? आज 4 दिन तो हो चुके, 2 तारीख के बाद ये सब बवाल खड़ा हो चुका है, 2 अक्टूबर के बाद, तो इन 4 दिन में उन लिंक के जरिए तो ये सब माहिती हो चुकी होगी, तो अभी उनका वो स्टैंड जो है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने मेरा स्टैंड ले चुका हूँ, क्योंकि मुझे वसई विरार के नागरिकों की चिंता है, क्योंकि ये जो झूठे जो रिपोर्ट्स के आधार पर ये लोग जो कर रहे हैं तो वो उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी का क्या रोल रहेगा। किस तरह से इन्होंने पूरा बताया है कि वसई विरार में कुछ लैब जो ये सिद्ध हो चुका है कि वो जिस डॉक्टर का सिग्नेचर यूज करके अपने रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो डॉक्टर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा साजिश, बहुत बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है। लेकिन महानगर पालिका का जो रवैया है वो हमेशा की तरह इस बार भी रवैया वैसा ही है, इस बार भी सिर्फ धकेला धकेला और धकेला जा रहा है। 1 महीना बीत चुका है, कोई FIR लॉज नहीं हुई है। आपको याद होगा कोविड के समय में 2019 में 2020 में 2021 में जब अस्पताल लूट रहे थे और प्राइवेट अस्पतालों में लूट का खेल चालू था, तब हमने कई बार महानगर पालिका से कांटेक्ट करके इस चीजों को उनके संज्ञान में लाए थे, लेकिन तब भी महानगर पालिका ने किसी एक अस्पताल के ऊपर कार्रवाई नहीं की। हमारे पास सबूत थे, हमने खुद उनको सबूत उपलब्ध करवाए थे, लेकिन महानगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की। आज नौबत यह आ चुकी है कि पिछले 15 सितंबर को महानगर पालिका को ह्यूमन राइट कमीशन ने हमारी कंप्लेन के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन में वहां बुलाया गया था, और ह्यूमन राइट कमीशन ने 11 दिसंबर को अब महानगर पालिका को पूरा लिखित में वहां पर अपना स्टेटमेंट देना है कि क्या कुछ इसमें वो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये महानगर पालिका इतना कुछ होने के बावजूद किन लोगों को ये पीछे से बैक सपोर्ट देती है, क्यों कार्रवाई नहीं करती है, ये सवाल बड़ा है। क्या ये लोग लोगों की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं या लोगों की जान लेने के लिए बैठे हैं, ये सवाल बड़ा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, देखते हैं अब इस मामले में कब कार्रवाई होती है, कब हम ये खबर आपको दिखा दें कि इन पैथोलॉजी लैब के ऊपर FIR हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।